स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो पंचायती राज मधुबनी से एक बड़ी अपडेट लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के लिए फॉर्म भरा था, अगर आप मधुबनी ज़िले में फॉर्म भरे थे, तो ये न्यूज़ आपके लिए गुड न्यूज़ बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2018 में इसकी बहाली शुरू हुई थी तकनीकी सहायक के लिए, जिसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियर वाले एलिजिबल थे। मधुबनी ज़िले के जो भी लिस्ट है वो सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। तो वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं सेकेंड लिस्ट में और उनका ज्वाइनिंग करने का डेडलाइन क्या रखा गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, समाहरणालय मधुबनी जिला पंचायत शाखा, पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। पंचायती राज विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 4046 पंचायती राज दिनांक 25/7/2018 से प्राप्त निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर तकनीकी सहायक के पद पर कुल 27,000 प्रतिमा मानदेय के आधार पर नियुक्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अस्थाई पद है तकनीकी सहायक के, जिसके लिए प्रतिमाह 27,000 मानदेय रखा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो है कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं इस लिस्ट में। तो टोटल बात कर ले सिलेक्ट की, तो 17 लोग जो है इस लिस्ट में चयनित हो गए हैं। और आखिरी में जो है जितेंद्र कुमार पासवान हैं, जो कि रामासागर पासवान के पुत्र हैं, जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ ये है, इसी कैटेगोरी से आते हैं। ठीक है, और भी विस्तार में बात कर लेते हैं। बता दें कि ये जो आवासीय पता उनका दिया हुआ है और अभी उनका जो है प्रतिनियुक्ति पता, प्रतिस्थापित पता नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे विस्तार में बात कर लेते हैं कि 17 लोग हैं, जैसे कि जोयदीप घोष, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, MD ममूर, KM सोनी सिंह, कुमार शिवरंजन, अनुभव कुमार हैं, प्रवीण सिन्हा, अमित कुमार जी हैं, ठीक है, अंकिता वर्मा है, राहुल रंजन हैं और आश्रिता सिंह है, कुशेवर यादव है, रवि कुमार है, अनुराधा है, जितेंद्र कुमार है, तो इत्यादि ये लोग हैं। चलिए विस्तार में आगे बात कर लेते हैं कि नियुक्ति की जो शर्तें हैं वो क्या है रखी गई है। संविदा के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जिला राज पदाधिकारी मधुबनी के साथ एक कारनामा किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर चयनित कर्मियों को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी को है। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले न सरकें न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नियोजित कर्मी को योगदान के समय अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं मूल प्रति दो फोटो समर्पित करना होगा। तो फोटो कॉपी आपका चाहिए जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं उनके, और उस पर आपको अटेस्टेड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड, और साथ में दो फोटो समर्पित करना होगा। और बता दूं कि आपको मूल प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा। असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उपरोक्त अभ्यर्थियों को योगदान के समय शपथ पत्र देना होगा जिसमें उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो या दहेज लेन देन संबंधित तथ्य का उल्लेख हो। नियोजित तकनीकी सहायक द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी और कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर इन्हें कभी भी बिना सूचना के कार्यमुक्त कर दिया जा सकता है। नियोजित तकनीकी सहायक द्वारा आवेदन में दिए गए तथ्य में सूचना गलत पाए जाने पर नियोजन रद्द भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। नियोजित कर्मी द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच कराई जाएगी। जांच उपरांत यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो नियोजन रद्द किया जा सकता है एवं कर्मी के विरुद्ध वित्तीय संबद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नियोजित कर्मी को पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय प्रतिमाह 27,000 अनुमान होगा। ये वही बात कर ले, इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश मिल सकता है। मेन बात कर लेते हैं कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी उप विकास आयुक्त मधुबनी के समक्ष योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। जी हाँ दोस्तों,
तो योगदान का डेडलाइन जो दिया गया है आपको 15 अप्रैल तक दिया गया है। 15 अप्रैल तक अपने सभी मूल प्रमाण पत्र एवं साथ में उसके फोटोकॉपी अभी प्रमाणित सहित आपको लेकर उपस्थित होना होगा। साथ में आपको चिकित्सकीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा और इकरारनामा प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तकनीकी सहायक के मानदेय का भुगतान उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन वैधता की जांच के बाद ही किया जाएगा। संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद इतना, यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो आपकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो समथिंग कुछ इस प्रकार है। और ये जो है जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा निर्गत किया गया था, ये जो नोटिस है, और ये 31 मार्च 2021 को ही निर्गत किया गया था। तो जितने भी मधुबनी ज़िले से हैं, ठीक है, अगर आप सभी का नाम है इसमें तो 15 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने साथ अपने मूल प्रमाण पत्र को ले जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिला होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।